अति प्रियो, क्या आनंद और खुशी में रहते हैं? प्रभु यीशु मसीह के साथ यदि आप रहते हैं तो आप आनंद और खुशी के साथ रहना चाहिए, इसलिए प्रतिदिन आपसे प्रभु बातें करता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नए हो गए। अमेरिका में एक प्रचारक है, उनका नाम मूडी है। वो प्रतिदिन शाम के वक्त में प्रचार करते थे। वो प्रचार करने के वक्त जो है, एक व्यक्ति जरूर जो है उसके प्रचार सुनता था, लेकिन वो पियक्कड़ था। रोज प्रतिदिन वो शराब पीते थे। वो शराबी होने के चलते उसके परिवार वाले इतने तंग हो गए, प्रतिदिन क्लब में जाकर पीकर वापस आते थे। एक दिन जो है पीकर वापस आने के समय चर्च में देख रहे थे, वो भी आकर वहां बैठ गया था। और मूडी प्रचारक ने प्रचार किया और यीशु मसीह के बारे में जबरदस्ती प्रचार किया, और इस प्रचार को सुनने वालों से उन्होंने निमंत्रण दिया, जिसको भी यीशु को ग्रहण करना आगे आओ। तब ये पियक्कड़ भी आगे आके अपने आप को अर्पण किया। उन्होंने कहा, आपका वचन मेरे लिए अच्छा लगा, मैं अर्पण करने के लिए चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक समस्या, मैं प्रतिदिन शराब पीता हूँ, शराब के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, इसलिए प्रतिदिन शराब पीने के लिए आप मुझको अनुमति देना है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, आप यीशु मसीह आपके लिए मरा है, आपके लिए जिया है, क्या इस बातों को विश्वास करते हैं? तो जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ। ठीक है, आप जो है थोड़ा सा पी सकते हैं, करके अनुमति दिया। ऐसे कह के वो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास अर्पण करके वो प्रार्थना किया, चला गया। और दूसरा दिन आने के लिए इस प्रचारक ने कहा, आप जरूर दूसरे दिन आके मुझे बताना है। जब उन्होंने दूसरा दिन आके कहा, देखिए आप तो कहा शराब पी सकते हैं, लेकिन यीशु को ग्रहण करने के बाद मैं सु गया था, लेकिन उसको शराब को फिर से मैं छू नहीं पाया। तब यीशु मसीह सबको नए रूप से बदलने वाला है। यीशु ये नहीं कहता, तू शराब को छोड़ के, इस पापों को छोड़ के आओ, तुम मेरे पास आओगे तब मैं ये सारे पापों को तुमसे मैं दूर कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ से काम करता है। तब यीशु मसीह के अंदर जो है अपने आप को आप अर्पण करना चाहिए, बाहरी रूप में, नाम के वजह से नहीं, बिल्कुल अपने दिल से प्रभु यीशु मसीह को यदि आप अर्पण करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में पूरे पूरे वो काम करके बदल देंगे। यदि इस नया जीवन आपको चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर आपके लिए अपने लहू को बहा के अर्पण किया, उस जीवन चाहिए तो अर्पण करना है। प्रभु, मैं अपने आप को आज मैं आपके लिए अर्पण करता हूँ, तू मेरे जीवन को नए रूप में बदलना है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन।